पर भरोसा हो खुद पर विश्वास, रचता है आम आदमी भी इतिहास। मैं साथ हूँ हर कदम हर डगर, होगी विजय खेले होके निडर। हर एक उत्तर को सोचे विचारे, इस मंच से पूरा भारत निहारे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने केबीसी और बहुत सारे अदर वीडियो बनाए हैं, जिसमें मैंने केबीसी का इतिहास, केबीसी का रजिस्ट्रेशन, केबीसी का सिलेबस और बहुत सारे वीडियो अपने चैनल ऑल इन वन वर्ल्ड स्पेशल पर डाल चुकी हूं। तो आज का मेरा वीडियो जो है केबीसी में आने वाले क्वेश्चन आंसर पर होगा, जिसमें अभी तक जो भी केबीसी में क्वेश्चन आंसर, जिस टाइप के क्वेश्चन आंसर आते रहे हैं, उसी टाइप में अभी तक क्वेश्चन आंसर इसमें बनाऊंगी। और अगर आप दर्शकों को अच्छा लगे, पसंद पड़े, तो मेरे पूरे वीडियो को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी तक मैंने जो वीडियो बनाए हैं फ्रेंड्स जो भी वीडियो बनाए हैं वो काफ़ी लाइक है और आपके ऊपर उपयोग करने वाली काफ़ी चीज़ों को मैंने बताया है, जैसे मोटापा के बारे में, पानी के बारे में, केबीसी के बारे में। तो आप मेरे वीडियो को देख कर उसे यूज कीजिए, तैयारी कीजिए। तो फ्रेंड्स, जिस तरह कौन बनेगा करोड़पति की शुरुआत छोटे क्वेश्चन से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चन तक होता है, तो मैंने भी कोशिश किया है कि मैं अपने वीडियो में उस टाइप के क्वेश्चन को शामिल करूं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस प्रकार है, मैंने इस वीडियो में न्यूज जो है जीके करंट अफेयर का भी कुछ डाला है, कुछ ओल्ड जीके भी रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? ए सिस्टर ऑफ चैरिटी, बी मिशनरी ऑफ चैरिटी, सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चैरिटी, डी चैरिटी फॉर ऑल। तो जैसे हमें पता है कि मदर टेरेसा ने अपने जीवन काल में एक चैरिटी की स्थापना की थी, तो उसका आंसर हो जाएगा मिशनरी ऑफ चैरिटी, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी सुभाष चंद्र बोस, सी देवीलाल और डी मोरारजी देसाई। तो आप लोगों को अगर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका लगा सकते हैं। तो मैंने इसे आंसर के रूप में ए लाल बहादुर शास्त्री को रखा है। तो फ्रेंड्स, कोरोना काल चल रहा है और इसमें हमें बहुत सारे न्यू क्वेश्चन बन रहे हैं, तो एक क्वेश्चन उससे भी हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑक्सीजन और व्हील्स की शुरुआत कहाँ हुई है? ए गुजरात, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी छत्तीसगढ़। तो हमें इसमें हरियाणा लगाना है, ऑप्शन सी हरियाणा। ऑप्शन सी हरियाणा इसलिए है कि इसकी शुरुआत जो है करनाल जिला जो है, इसमें इसकी शुरुआत की गई है। जिस भी हॉस्पिटल में अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो एक ट्रक में 100 सिलेंडर भर कर रखे जाएंगे और जिस भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी वहां पर ये व्हील्स जाकर ऑक्सीजन की पूर्ति करेगा। एक और क्वेश्चन करंट अफेयर्स हम ले लेते हैं। तो देश में पहला 3D मकान कहां बनाया गया, किसने बनाया है? तो ए खड़गपुर, बी IIT मद्रास, सी IIT बॉम्बे, डी IIT रुड़की। तो फ्रेंड्स, इसमें हम टिक लगाएंगे IIT मद्रास, यानी कि ऑप्शन बी। पहला 3D मकान 2008 में फ्रांस में बनाया गया था। 27 अप्रैल 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी उद्घाटन किया है। यह तवास्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? ए लंदन, बी पेरिस, सी रोम, डी फ्रैंकफर्ट। तो पहला क्वेश्चन लंदन है, बी पेरिस है। तो सीन नदी जो है पेरिस शहर में बहती है, पेरिस शहर सीन नदी के किनारे है, इसलिए हम पेरिस पर ही टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है किताब से संबंधित, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन किसने लिखा है? ए नीरज सिंह चौधरी, बी खुशवंत सिंह, सी कमला दास, डी बलवंत गार्गी ने। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन, नीरज सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जन्मे दो अमेरिकन नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो पहला हो जाएगा हरविंद खुराना और सीवी रमन, बी एस चंद्रशेखर और सीवी रमन, सी सीवी रमन और एस एस घोष, डी हरगोविंद खुराना
और एस चंद्रशेखर। तो हम लोग जैसे जानते हैं हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर का जन्मभूमि इंडिया है, तो लेकिन वे लोग अमेरिका जाकर अपना रिसर्च किए और वहीं से इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे काम किया है। तो इसमें हम लोग डी लगाएंगे, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। तो फ्रेंड्स, मैं अब कुछ क्वेश्चन जीके करंट अफेयर्स से भी डालना चाहूँगी, क्योंकि आपको केवीसी का मंच तो बहुत अनेकों अनेक क्वेश्चन का भंडार है, लेकिन और आगे एग्जाम की तैयारी भी अगर इसी क्वेश्चन से हो जाती है जिसमें करंट अफेयर बहुत खास है, तो मैं कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से भी इसमें डाल रही हूँ। आप इसे भी बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए और इसमें याद कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर को शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ए समुद्र मैत्री, बी समुद्री सेतु द्वितीय, सी मैत्री द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो हम बी ऑप्शन लगाएंगे, समुद्री सेतु द्वितीय। बात हुई है नेवी की, तो ऑक्सीजन की कमी के चलते कई देशों में जो है ऑक्सीजन मंगाया जा रहा है, और इसकी जो जिम्मेवारी है ये नेवी ने ली है, जिसको हम लोग समुद्री सेतु द्वितीय नाम से जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला है? तो पहला गुजरात, बी मणिपुर, सी असम और डी सिक्किम होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी मणिपुर। तो जीआई टैग के बारे में हम जान लेते हैं, जीआई टैग का फुल फॉर्म हो जाएगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में होने वाले फेमस चीज़ को उस जगह की पहचान करवाती है, तो उस चीज़ के को जीआई टैग मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म जेट सेट जियो का शुरुआत कहाँ हुआ है? तो ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी बिहार, डी गोवा। इसमें हम लोग क्लिक करेंगे कर्नाटक पर। तो कर्नाटक जो है इसमें कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग जो है कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग क्लास चलाई गई है, जिसका नाम है जेट सेट जियो। तो इस पर हम बी पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार किस राज्य ने दिया है? ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ पर हम लोग क्लिक करेंगे। इससे अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं, 5G योजना कहाँ शुरू हुई? तो यह योजना दिल्ली में शुरू हुई है, और इस तरह बहुत सारी योजनाएं दिल्ली में शुरू हुई है। तो 5T का अर्थ होगा टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। तो इसका हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दिल्ली में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल भी खुले हैं, प्लाज्मा बैंक खुला है, हरियाली के लिए भी कई काम किए गए हैं, हॉस्पिटल में भी कई काम किए हैं। तो 5T भी एक योजना है जो केजरीवाल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, गद्दी, गुर्जर, फंगवाली एक कहाँ की जनजाति है? तो ए हिमाचल प्रदेश, बी कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो हमें ऑप्शन ए पर क्लिक करना है, हिमाचल प्रदेश पर। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 फरवरी, बी 12 जनवरी, सी 22 दिसंबर, डी 21 नवंबर। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 21 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, संसदीय समिति ने पोक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर कितनी करने की सिफारिश की है? ए 15, बी 18, सी 21, डी 16। तो इसमें हम लोग डी लगाएंगे, 16। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका के फ्रंट कवर पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन है? ए बिलियन, बी मेलोन, सी इलियट पेज, डी रोनाल्ड। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग सी इलियट पेज पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज केवीसी क्यूज यानी कि केवीसी क्वेश्चन आंसर सीरीज यहीं समाप्त करती हूं, और अगर पसंद पड़े तो मैं आगे भी इस तरह काफ़ी वीडियो बनाने वाली हूं। पसंद पड़े तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़रूर देखें इसे, कुछ आपके नए कई एग्ज़ाम में भी काम आ सकते हैं। देखने वाले सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक्स ऑल वॉच माई वीडियो।